अच्छे और मजेदार न्यूज़ हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। फिट रहने के लिए लड़के बॉडी बनाते हैं और इसके लिए जिम भी ज्वाइन करते हैं। युवाओं में बॉडी बनाने का क्रेज ज्यादा देखा जाता है। बॉडी को जल्दी बनाने के लिए कुछ लड़के तो दिन में कई घंटे जिम में बिताते हैं और कुछ सप्लीमेंट भी लेते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से कम समय में अच्छी बॉडी बनाई जा सकती है। इसके अलावा भी बॉडी बनाने के बहुत से ऐसे झूठ हैं जो लड़के सच मान बैठते हैं। बॉडी बिल्डिंग के बारे में झूठ हैवी वेट से बनेंगे मसल्स। जिम में लड़कों को यह बात कही जाती है कि जितनी हैवी वेट लिफ्टिंग करोगे उतनी जल्दी ही मसल्स बनेंगे, लेकिन यह बात झूठ है। वेट लिफ्टिंग जरूरी है, लेकिन अपनी हिम्मत से ज्यादा वेट उठाना सेहत पर भारी पड़ सकता है। आप इसके साथ से ड्रॉप सेट, हाफ रैप, स्लो रैप, सुपर सेट का भी इस्तेमाल करें। कभी भी लगातार एक्सरसाइज न करें। दिन में 1000 सिटअप्स जरूरी, यह बात सच नहीं है। सिर्फ सिटअप करने से काम नहीं चलता। आप अगर एब्डोमिनल मसल्स बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी रिजल्ट सामने नहीं आ रहा तो समस्या फैट परसेंटेज की है। अपनी डाइट पर ध्यान दें। सप्लीमेंट खाना, जिम जाने वाले लोग समझते हैं कि सप्लीमेंट खाने से ही बॉडी बनेगी, लेकिन यह बात गलत है। इससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। हमेशा नेचुरल प्रोटीन लें और मेहनत करें। इससे बॉडी भी बनेगी और सेहत भी अच्छी रहेगी। रोजाना करनी जरूरी है वेटलिफ्टिंग। हर रोज वेटलिफ्टिंग करना हर किसी की सेहत के लिए अच्छा नहीं, इससे मसल्स पर बुरा असर भी पड़ सकता है। हफ्ते में 2-3 दिन ही वेटलिफ्टिंग के लिए सेट करें। इसके अलावा बाकी दिन एक्सरसाइज, सैर और योग करें। कुछ लोग वही काम करते हैं जो जिम ट्रेनर कहते हैं। वह उनके कहे अनुसार ही डाइट खाते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन यह बात जरूरी नहीं कि फिटनेस ट्रेनर पढ़ा लिखा हो। कुछ लोग एब्स और अच्छी बॉडी बनाकर भी जिम ट्रेनर की नौकरी पा लेते हैं, लेकिन डाइट और बॉडी बिल्डिंग की पूरी समझ हर किसी को नहीं होती। हो सकता है कि वो आपको गलत सलाह दे दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।